और इरपिन में बूचा जैसे नरसंहार का दावा। इरपिन के मेयर ने 290 शव मिलने का दावा किया। रूसी फोर्स के जाने के बाद अब तक 290 शव मिले। मेयर ने यह दावा किया है। कीव में भी लोगों से क्रूरता के सबूत मिले। रशियन फोर्सेस के जाने के बाद यूक्रेन के एक और शहर में बूचा जैसी हबानियत का दावा किया जा रहा है। ये खौफनाक दावा यूक्रेन के इरपिन शहर को लेकर किया गया है। इरपिन के मेयर ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा है कि रूसी फोर्सेस के जाने के बाद से इरपिन में अब तक 290 शव बरामद किए जा चुके हैं। एक फेसबुक पोस्ट में इरपिन के मेयर ने कहा है कि मरने वालों में 185 शवों की पहचान कर ली गई है, जिनमें से अधिकांश पुरुष थे। मौत की वजह छर्रे और बंदूक की गोली के घाव हैं। इरपिन राजधानी कीव के बाहरी इलाके का शहर है। इससे पहले कीव से सटे बूचा में यूक्रेन ने 400 से ज्यादा लोगों के नरसंहार का दावा किया था। बूचा से रूसी सेना के जाने के बाद सामूहिक कब्रें मिलने की तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसके चलते रूस को यूएनएचआरसी से बाहर कर दिया गया था। इस बीच कीव के कैलिनिवका इलाके से दो और शव मिले हैं। जमीन में दबे मिले शवों के हाथ पीछे से बंधे हैं, जो मौत से पहले की गई क्रूरता की दास्तां बयां कर रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।